जो बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले को एकतरफा फैसला बताया है। मोदी सरकार के फैसले को जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा बताया है उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला का बयान, तो महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ ट्वीट करके हमने आपको बताया कि फैसले को एकतरफा बताया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा बताया, जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकित किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी है कि इस फैसले के गंभीर परिणाम होंगे, जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं पर हमला किया गया है। आखिर एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाकी मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगा इस हिस्से की शुरुआत मेहता जी मैं आपके साथ करूं। लगातार ये कहा जा रहा है कि लोगों को आतंकित किया जा रहा है, आतंकित कर कौन रहा था? अलगाववादी, वहां के लोगों की भावनाएं भड़काकर, पत्थरबाजों को सड़कों पर उतारकर, जो आतंकी भावनाओं को पालने पोसने वाले लोग हैं उन्हें बढ़ावा देकर। कश्मीर कई अरसे से झुलस रहा था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि क्योंकि कोई नजरिया नहीं था आम आदमी के लिए और बच्चों के लिए स्कूल और ना उनके पास किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी। तो इस फैसले का मैं बहुत स्वागत करता हूं। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आम जनता पर, जो जिनको जिनके जीवन में बदलाव आएगा, जिनको एक बार दोबारा जीने की एक उम्मीद जागेगी। अभी तक एक तरीके का नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा था जो कि अलगाववादियों की तरफ से था और हर किस्म के जो 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 सेना से लेके या सिक्योरिटी से लेकर या किसी भी तरह के इशू पे बात होती थी उसको इस तरीके का दिखाया जाता था कि जिस तरह भारत जो है उन पे कब्जा करना चाहता है, जबकि कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न पार्ट रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरें जश्न की, 10 अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीर, जम्मू की तस्वीर, कोटा की तस्वीर, सीहोर की तस्वीर, उज्जैन की तस्वीर, शामली की तस्वीर, ग्वालियर की तस्वीर, गाजियाबाद, श्री गंगानगर और भिवानी की तस्वीर। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, कहीं पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया, कहीं लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते दिखे, कहीं लोगों ने मिठाइयां एक दूसरे को बांटी है, कहीं लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली भी मना ली है। यानी होली दिवाली जश्न के जितने रंग हो सकते हैं उतने रंग एक साथ आज हिन्दुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। और अब गाजियाबाद का रुख करते हैं। गाजियाबाद में कश्मीरी समाज के साथ मिलकर स्थानीय लोग जश्न मना रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, इस रिपोर्ट को आप देखिए। कश्मीर में धारा 370 पर आए फैसले के बाद जो जश्न है वो देश भर में मन रहा है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर मिठाई बांटी गई है और मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है। यहाँ पर जो ढोल है वो बज रहे थे और अब फिर ढोल बजना मिठाई बांटी है। आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है। हमारे इतिहास, भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में हर भारतीय के लिए गर्व की विषय है कि आज कश्मीर जो हमारे लिए एक अभिन्न अंग नहीं था, आज वो भारत का एक अंग है, हिंदुस्तान का एक अंग है। ये अगर कोई काम कर सकता था तो सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार और भाई अमित शाह जी के नेतृत्व में किया जा सकता था। हमें खुशी है कि कश्मीर आज स्वतंत्र भारत का असली अंग बना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन घिघू। कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं? जी, कश्मीर से रखते हैं, प्रॉपर कश्मीर से। अब कैसे देख रहे हैं फैसले को? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बिल्कुल अलग दिखाया गया था अब ये हमारे हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है। जी, और जी जो भी वहाँ पे हो रहा था बिल्कुल अलग रखा गया था। वहाँ सिर्फ जेके को, सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही राइट था, हिंदुस्तान को राइट नहीं था। लेकिन आज माननीय मोदी की वजह से और माननीय अमित शाह जी की वजह से ये हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है। आप वापस जाना चाहेंगे? आप कश्मीर? बिल्कुल जाना चाहेंगे। आपको लगता है अब रास्ते खुल गए हैं? बिल्कुल, माननीय और हम जरूर वापस जाएंगे। देश के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा हो गया, ये बहुत बड़ा। कई 30 साल बाद हम ये झेलते रहे और आज हमें इतनी खुशी है। और वास्तव में इन भाइयों के साथ मैं ये खुशी शेयर करना चाहती हूँ, मनाना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी ने हमें रास्ता एक दे दिया। जो नया बदलाव हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जश्न का माहौल है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो लगातार प्रतिक्रियाएं देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोगों की आ रही है और सोशल मीडिया पर आप जाइए, मोबाइल मैसेजेस पर जाइए, जो व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स हैं वहां पर भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव का जिक्र किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव यह है कि बाहर के लोग भी जाकर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, तो कई सारे मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं कि अब लोग वहां पर प्लान कर रहे हैं, अलग अलग डेवलपर्स वहां पर प्लॉट बना रहे हैं। खैर ऐसे मैसेजेस की बात है सोशल मीडिया पर, लेकिन इस बीच